गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका बिहारी रिएक्शन चैनल में। और दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज रात में आया है कि जो डीलर बंधु है वो अपना मशीन का बैलेंस चेक कर लेंगे। बहुत लोगों का हुआ है कि जो PMJKY का जो गेहूं का है वो NFSA में इस बार कल रात में ऐड कर दिया गया है। कुछ लोगों का बैलेंस कम हो गया है, कुछ लोगों का बैलेंस बढ़ गया है, जो खाद्यान्न का बैलेंस वो बढ़ गया है। कुछ लोगों का गेहूं जो है NFSA में ऐड कर दिया गया है, जो PMJKY का करेंट का जो बचा हुआ था गेहूं उसको ऐड कर दिया गया है PMJKY में। दोस्तों, उसको देखने के लिए आप यही पोस्ट बिहार के जो आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इस पे जाइए और वहाँ पे PS स्टेटस में चले जाइए, अपना PS कोड यहाँ पे डालिए जो भी कोड है और वहाँ पे जाके आप देख लीजिए कि करेंट का दिखाएगा कि इसमें देखिए दोस्तों, ओल्ड वाला जो है, ओल्ड वाला तो नहीं हटा है, लेकिन इस बार जो PMJKY के जैसे सेकेंड बार चालू हुआ था उसका जो गेहूं है वो ऐड कर दिया गया है NFSA में, उसका गेहूं ऐड कर दिया गया। सब कोई अपना अपना चेक कर ले। और दूसरा चीज़ ये कि माइक के लिए एक्स्ट्रा आवंटन भी बन रहा है, जिसके लिए आपको आवश्यकता अनुसार एक अप्लीकेशन बना लीजिए, कितना आवंटन चाहिए, किस मद में, और संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा दीजिए, वहाँ से आपको मई के लिए आवंटन बन जाएगा। अब बैलेंस जो जो बढ़ा हुआ है और घटा हुआ है उसके उसको जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं PS डिटेल में। यही पोस्ट के पोर्टल पे जाइए, PS स्टेटस पे जाइए और अपने PS कोड यहाँ पे डालिए जो भी कोड है और देख लीजिए कि यहाँ पर बैलेंस कितना चढ़ा और कितना घटा है। PMJKY का जो गेहूं का बैलेंस है पिछले साल का, उसको ऐड कर दिया गया है NFSA में, NFSA में ऐड कर दिया गया, उसको आप लोग मिला लीजिए। ये रात में ही हुआ है, कल रात में ही हुआ है, NIC हैदराबाद के द्वारा किया गया है और पटना के टीम मिल के किया है। चावल का भी एक दो दिन में हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।